मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र मुरादाबाद के 15 विद्यालयों के 105 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय की गैलरी और छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए पोस्टर भी लगाए गए। छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए पोस्टर गैलरी का छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के अवलोकनार्थ सिंह जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा फीता काट कर उद्घाटन हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु बनाए गए पोस्टर का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए रंगोली और मतदाता जागरूकता संबंधित स्लोगन का भी अवलोकन हुआ। जिलाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु तथा जिन छात्र छात्राओं द्वारा अभी तक अपने वोटर आईडी नहीं बनवाए गए हैं उन्हें यथाशीघ्र बनवाने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी छात्र छात्राओं को अपने परिवार और पड़ोस में रहने वाले निवासियों को भी निर्वाचक नामावली में अपने नाम दर्ज कराने के लिए प्रेषित करें। जिलाधिकारी को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा लाइव पेंटिंग और 800 फीट लंबी मतदाता जागरूकता संबंधित स्लोगन पेंटिंग को भी दिखाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के साथ सुमित यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद तथा डॉक्टर अरुण कुमार दुबे जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद उपस्थित रहे। पोस्टर, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पुरस्कृत और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री प्रीतम सिंह, हिमांशु यादव और डॉक्टर नवनीत गोस्वामी भी उपस्थित रहे। निर्वाचन से संबंधित है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई निर्वाचन होता ही रहता है, तो सभी बच्चे भी कैसे चुनाव होते हैं
कैसे मतदान होता है उसके बारे में सभी लोग जाने रहते हैं। मेरे सामने जो बच्चे खड़े हैं उसमें मैं समझता हूँ कि लगभग सभी बच्चे 18 साल से कम ही उम्र के होंगे। 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे हो तो अपना हाथ उठाए। 18 साल से अधिक उम्र का कोई बच्चा है? नहीं है। कोई है? एक है सर, इधर थोड़ा ठीक है। 18 साल मैंने इसलिए कहा कि 18 साल होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और हर साल वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। तो जैसे ही 18 साल का कोई हो तो उसको उसी वर्ष वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहिए। जो हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य इसी बात का होता है कि आम जन को ये पता लगे कि कौन व्यक्ति किस उम्र से मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, वो मतदाता बने और मतदाता बनने के पश्चात प्रत्येक निर्वाचन में भाग ले। आप बच्चे हैं, आप लोग इन सब चीजों को मैं हम लोग ही मान भी चलते हैं और ये है भी कि बच्चों को जो चीज बताई जाती है उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं, वो आत्मसात कर लेते हैं उन सब चीजों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है फिर आदमी थोड़ा अड़ियल हो जाता है, फिर जल्दी नई बात उसको समझ नहीं आती है, लेकिन बच्चों को जो बात बताई जाती है वो उसको आत्मसात करते हैं। तो आज आप लोगों ने जैसे मैंने अभी शपथ दिलवाई, इसमें शपथ तो सब लोग दिलवाते लेकिन बहुत सी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे हमने शपथ आपको दिलवाई कि धार बगैर धार उसको देखे हुए, बगैर वर्ग को देखे हुए, बगैर जात को देखे हुए मतदान करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जब जो शपथ हमें दिलाई गई है हम शपथ के हिसाब से उस हिसाब से हम आचरण जब करेंगे तब अच्छे नागरिक बनेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह है कि हम नागरिकों के अधिकारों को किस तरह लगातार अक्षुण रखते हुए उनकी बेहतरी के लिए काम करें।